अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू शाह ग्रुप एजुकेशनल चैनल। सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, क्लास 9 एंड चैप्टर नंबर 11 व्हिच इज लाइन बाइसेक्टर्स एंड एंगल बाइसेक्टर्स। तो चैप्टर नंबर 11 में जो टॉपिक्स हैं उनको जरा समझने की और देखने की कोशिश करते हैं क्या है। सबसे पहला हमारे पास है बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट। जाहिर है चैप्टर के नाम से ही आपको अंदाजा हो रहा है कि ये टॉपिक तो आना ही है। बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट किसे कहा जाता है? बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट कहा जाता है बच्चों, डेफिनेशन उसकी है हमारे पास, अ लाइन, रे और सेगमेंट। तो पहले तो समझना पड़ेगा ये लाइन क्या है, रे क्या है और सेगमेंट क्या है। तो बेटा जब दोनों के एंडिंग पॉइंट होंगे, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट भी है और एंडिंग पॉइंट भी है, तो दैट इज लाइन सेगमेंट। अगर हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट भी नहीं है और एंडिंग पॉइंट भी नहीं है, दैट इज लाइन। और अगर हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट है लेकिन एंडिंग पॉइंट नहीं है, या यूं कह लें कि हमारे पास एंडिंग पॉइंट है लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है, तो इसे क्या कहते हैं? रे। इसको रियल वर्ल्ड में समझ लेते हैं। अगर मैं आपसे कहूं आप जिस रूम में बैठे हैं वहां की जमीन से लेकर वहां की छत तक का डिस्टेंस, इसका स्टार्टिंग पॉइंट भी बताया मैंने आपको, एंडिंग पॉइंट भी बताया, दैट इज लाइन सेगमेंट। अगर मैं आपसे कहूं आप जिस जगह मौजूद हैं वहां की जमीन से लेकर आसमान तक का रास्ता, तो स्टार्टिंग पॉइंट तो है आसमान, एंडिंग कोई नहीं है, इसका मतलब वो क्या बन गई आपके पास? रे। और तीसरी बात लाइन, अगर मैं आपसे कहूं आपकी लेफ्ट साइड से लेकर आपकी राइट साइड, में वॉल की बात नहीं कर रहा मैं, बात कर रहा हूं जस्ट लेफ्ट साइड से लेकर राइट साइड तक, तो अब कोई एंडिंग पॉइंट नहीं है, दोनों तरफ एंडिंग पॉइंट नहीं है, तो दैट इज लाइन। ठीक है, तो लाइन हो, रे हो या लाइन सेगमेंट है, उसे बाइसेक्टर तब कहा जाएगा, इस कॉल्ड बाइसेक्टर व्हिच कट्स अनदर लाइन सेगमेंट इनटू टू इक्वल पार्ट्स, जब वो किसी दूसरी लाइन को बिल्कुल बराबर बराबर दो हिस्सों में काटेगा, कुछ इस तरह से। देखें ये हमारे पास पहली लाइन है, वैसे ही लाइन सेगमेंट है, दोनों के एंडिंग पॉइंट मौजूद है, स्टार्टिंग और एंडिंग दोनों पॉइंट है। जब उसे कोई दूसरी लाइन कट करेगी, लेकिन कट कैसे करेगी? बिल्कुल सेंटर में, यानी अगर आप इसको मेजर करें, फॉर एग्जांपल ए से लेकर बी तक का डिस्टेंस हमारे पास फॉर एग्जांपल 10 सेंटीमीटर है, तो जब ये एल लाइन ने उसको बाइसेक्ट किया यानी कट किया, तो ऐसे कट किया कि 5 सेंटीमीटर यहां रह गया और 5 सेंटीमीटर यहां रह गया, तो इसे हम कहेंगे बाइसेक्टर। लेकिन अगर लाइन ने ऐसे कट किया हो कि यहां से कट कर दिया, यहां 7 सेंटीमीटर हो गया, यहां 3 सेंटीमीटर, तो ये क्योंकि अनइक्वल है, तो अगर अनइक्वल है तो इसका मतलब ये बाइसेक्टर नहीं है, ये बस एक कट है। ठीक है, इंटरसेक्शन है, लेकिन वो इंटरसेक्शन जिसमें बिल्कुल बीच से कट हो, बिल्कुल बराबर बराबर इक्वल इक्वल कट किया जाए लाइन को, दैट इज व्हाट वी कॉल्ड बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट। ठीक है, बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट, इसके एमसीक्यूज की अगर हम बात करें तो बाइसेक्टर कट्स अ लाइन डैश। अभी हमने पढ़ा बाइसेक्टर कैसे कट करता है लाइन को, बाइसेक्टर कट करता है लाइन को रेंडमली नहीं, इक्वली ऑब्वियसली, तो वो तो हो ही नहीं सकता और नन भी नहीं हो सकता। तो बाइसेक्टर कैसे कट करता है लाइन को बच्चों? इक्वली कट करता है। ठीक है, गॉट इट, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। राइट बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट। अब बाइसेक्टर तो समझ आ गया, अब ये राइट बाइसेक्टर क्या होता है? A right bisector of the line segment can be defined as a line which bisect a line segment at 90 degrees. अब देख रहे हैं तकरीबन डेफिनेशन वही है कि बीच से तो कट करेगा, एक लाइन होगी दूसरी लाइन उसको बीच से तो कट करेगी, लेकिन ऐसे कट करेगी के 90 डिग्री। तो पहले लाइन बनाते हैं, ए और बी एक लाइन बन गई, पहले भी बनाई थी हमने, बीच से कट किया था उसे हम बाइसेक्टर, जरा समझ लेते हैं वापस, कहीं से भी कट किया अगर वो सेंटर नहीं है तो उसे क्या कहते हैं? इंटरसेक्शन। बिल्कुल बीच से कट किया तो उसे क्या कहते हैं? बाइसेक्टर। लेकिन बिल्कुल बीच से इस तरह कट किया, यानी कि कुछ इस तरह से कट किया कि आपके पास ये जो लाइन है जो कट कर रही है वो बिल्कुल स्ट्रेट है, यानी परपेंडिकुलर है, तो हम इसे कहेंगे क्योंकि 90 डिग्री पे कट कर रही है, राइट एंगल बना रही है, तो इसे हम कहते हैं राइट बाइसेक्टर। 90 डिग्री का मतलब यही होता ना, हमने ट्राइंगल्स के टॉपिक में पढ़ा कि ऐसा ट्राइंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होगा तो उसे राइट एंगल ट्राइंगल कहा जाएगा। तो राइट कहते ही उसको है जो परपेंडिकुलर होता है, यानी कि 90 डिग्री पर होता है। तो अगर ये 90 डिग्री पर है तो ये राइट बाइसेक्टर है, सिंपल। ठीक है, तो इसके एमसीक्यू की अगर हम बात करें तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इंटरसेक्ट द लाइन सेगमेंट दैट दे बाइसेक्ट एंड मेक 4 एंगल्स ऑफ डैश ईच ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, वो ये कहना चाह रहा है कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ने कुछ ऐसे बाइसेक्ट किया के इसके 4 एंगल बना दिए,
अपोजिट पे बहुत, अपोजिट पे बहुत। अगर आप गौर से देखें तो यहां भी 90 बन रहा है, यहां भी 90 बन रहा है, यहां भी 90 बन रहा है और यहां भी 90 डिग्री बन रहा है। तो कौन सा एंगल बन रहा है, हमने समझ लिया जीरो हो नहीं सकता। 180 का मतलब स्ट्रेट लाइन होती है, 360 का मतलब भी जीरो ही होता है, तो 90 बन रहा है। और हमने भी चेक भी किया कि चारों साइड पर कौन कौन सा एंगल बन रहा है, 90 डिग्री। ठीक है, लास्ट टॉपिक हमारे पास है बाइसेक्टर ऑफ एंगल। तो डेफिनेशन हमारे पास क्या है, अलाइन रे और सेगमेंट इज कॉल्ड बाइसेक्टर। वही वाला जुमला देखे ना, पूरी डेफिनेशन वही रिपीट हुई है जो हमने बाइसेक्टर ऑफ लाइन की पढ़ी थी, लेकिन चेंजिंग क्या हो गई, बाइसेक्टर ऑफ लाइन नहीं कह रहा है, इज कॉल्ड बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल और एंगल बाइसेक्टर। इसको बाइसेक्टर ऑफ एंगल भी कहा जाता है, एंगल बाइसेक्टर भी कहा जाता है, इफ इट डिवाइड्स द एंगल टू इक्वल पार्ट्स। भाई किसी लाइन को अगर दो इक्वल पार्ट में कट किया जाए तो उसे कहेंगे बाइसेक्टर ऑफ लाइन, किसी एंगल को दो बराबर हिस्सों में तोड़ा जाए तो उसे क्या कहेंगे, बाइसेक्टर ऑफ एंगल। सिंपल, कुछ इस तरह से बनेगा कि एक एंगल आपने बना दिया इस तरह से। ठीक है, सपोज कर लेते हैं ये एंगल हमारे पास 50 डिग्री का है। ठीक है, हमने मेजर किया, फॉर एग्जांपल ये सपोज 50 डिग्री का है, मैं ये कह रहा हूं कि इसको बिल्कुल बीच से कट करते हो, 25 डिग्री अलग कर देते हैं, 25 डिग्री अलग करते हैं, तो जो बिल्कुल बीच से कट किया जाएगा तो वो एंगल बाइसेक्टर हो जाएगा। सिंपल, ठीक है, इसके डेफिनेशन की एमसीक्यू की बात करते हैं। एनी पॉइंट ऑन द डैश ऑफ एन एंगल इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम इट्स आर्म्स। ये जो एंगल बनता है इसमें ये जो दो लाइंस होती हैं इसे आर्म्स कहा जाता है। ठीक है, ये एक आर्म, ये दूसरा आर्म और ये तीसरा आर्म हमने जिसको कट किया। तो ये कहना चाह रहा है कि वो पॉइंट जहां पर दोनों आर्म्स इक्विडिस्टेंट पर हो, बराबर बराबर कट किए हुए हो। तो अभी हमने यही तो डेफिनेशन पढ़ी कि उसे क्या कहते हैं, अगर बराबर नहीं होगा तो इंटरसेक्ट है, यानी कट तो हो रहा है लेकिन बराबर कट नहीं हो रहा, तो फिर उसे इंटरसेक्ट कहा जाएगा। लेकिन अगर बराबर कट किया जाएगा तो उसे क्या कहा जाएगा बच्चों, बाइसेक्टर। और क्योंकि इसमें पैरेलल परपेंडिकुलर की बात हो रही है तो हल्का सा समझ लेते हैं क्या होता है। पैरेलल कहते हैं दो सेम लाइंस को, यानी देखें ये लाइन स्ट्रेट और इसी के एंगल पे ये लाइन है, तो ये पैरेलल है। और परपेंडिकुलर क्या होता है वो हमने भी राइट में समझा, अगर वो 90 डिग्री बना रहा है, एक लाइन स्ट्रेट और दूसरी इस तरह से स्ट्रेट, एक एक्स एक्सिस पे एक वाई एक्सिस पे, तो उसे हम क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर। तो होपफुली बात बेटा समझ में आ गई होगी। इंशाल्लाह चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और नेक्स्ट किसी वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू सो मच, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।